आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, विस्तार हर खबर से। नमस्कार, मैं पंडित रंजीत झा, झा इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो के तरफ से, गौरी शंकर ट्रस्ट के तरफ से, मैं सभी जितने भी दर्शकगण हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का जो मुख्य उद्देश्य है यह प्रेस वार्ता के, वह उद्देश्य यह है जे जो गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर में आदि शक्ति महायज्ञ दिल्ली में होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो समस्त विश्व में राम राज्य की स्थापना हो, समस्त विश्व में शांति हो, समस्त विश्व में सद्भावना हो, समस्त विश्व में सदकल्याण हो। यह यज्ञ का अर्थ होता है जो एक संगठन, जहां पर कि भारत के गणमान्य व्यक्ति सब भी इस महायज्ञ में आने वाले हैं, बड़े से बड़े अधिकारी वर्ग भी भाग लेने वाले हैं, भारत के न्यायाधीश सब भी मुझे लगता है इस महायज्ञ में आकर के और आहुति अपना प्रदान करेंगे। मैं समस्त विशेषकर दिल्ली निवासी से विशेष कर आमंत्रित करता हूं जो सभी व्यक्ति इस आदि शक्ति महायज्ञ में सह परिवार निश्चित रूप से पधारें। और यह मकर संक्रांति के बाद यह यज्ञ होने जा रहा है, सूर्य जो है उत्तरायण होने जा रहे हैं, गुप्त नवरात्रा उसी दिन से प्रारंभ है 25 तारीख से, तो यह शुभ अवसर मुझे लगता है बहुतों वर्ष के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। और अपना जो भी शारीरिक मानसिक सांसारिक रूप में जो भी धन संचय किया गया है उसका कुछ अंश इस महायज्ञ में यदि हो सके तो आप लगाएं, यदि धन ना भी हो सके तो केवल अपना शरीर से शारीरिक श्रम से इस महायज्ञ में उपस्थित होकर के। और सभी व्यक्ति से मैं पुनः हाथ जोड़ विनम्र निवेदन करता हूं जो इस महायज्ञ में निश्चित रूप से 25 जनवरी, 26 जनवरी और 27 जनवरी को 12 बजे पूर्णाहुति है, इसमें विशेषकर सभी व्यक्ति वहां पर पहुंचे। और यह जो स्थान है यह राम मंदिर रोड है, बसंत कुंज में फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने 3 नंबर फार्म हाउस में। इस जगह पर सह परिवार आकर के और यज्ञ का परिक्रमा निश्चित रूप से करें और किसी भी समय आप प्रातः 9 बजे से लेकर के 7:30 बजे सायं तक के बीच में आप किसी भी समय आ सकते हैं, जिसमें कि भारत के कुछ बड़े बड़े विद्वान भी आ रहे हैं, भागवत के वक्ता सब भी आ रहे हैं, कीर्तन भजन का भी प्रोग्राम रखा गया है। और मुझे लगता है जो यह यज्ञ में आप लोग यदि पदार्पण करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और आनंदित गौरवान्वित महसूस होगा। इसलिए मैं आज बहुत धन्यवाद देता हूं, ये सदैव मैं जब भी कभी यज्ञ रखा हूं तो यह खबर के जो हमारे संजीव झाजी हैं यह सदैव तत्पर रहते हैं और इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए और इस खबर को जन जन तक पहुंचाने में। जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मैं कोटि कोटि आमंत्रित करता हूं। आ मिथिला शब्द में आज जे हकार तो अई में सब मैथिल भाषी के हकार से हो दो रहल छी जे अहां सब अई कार्यक्रम में निश्चित रूप से सह परिवार आवी। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, विस्तार हर खबर से।